राजगढ़ में पदस्थ डॉक्टर आज पहुंचे सीएमएचओ कार्यालय। डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों ने वहां पदस्थ डॉक्टर के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा कि वह राजगढ़ से ट्रांसफर लेने वाला है, अगर प्रशासन उनका ट्रांसफर नहीं करता तो वह नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन राजगढ़ में अब जॉब नहीं करेंगे। तो उसके पहले की अटेंडेंस आ रही सर, अटेंडेंस कहाँ से आ रही थी सर? जो कोई सेंड मैं वेरीफाई कर नहीं रहा हूँ वो आते नहीं है। तो हमारे जानकारी बनी था जब तो सर आपकी सर अगस्त में मैंने आपको कॉल करके भी बताया था सर, आप ही में पोस्टेड है सर। तो हमने उसे भी सर वो वहाँ के ना स्टाफ को भी बोलते मेरे साइन कर दिया करो। और ट्रांसफर हमारे हाथ में थोड़ी है सर, मेरा तो वैसे भी अटैचमेंट है तो मुझे वहाँ नहीं करना सर, मुझे रुपया अटैचमेंट कर दीजिए। चलो देखते पे दो अटेंडर आए थे पेशेंट के साथ, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, पूरा ये हाथ में चोट लगी है। उसके अलावा जो सिस्टर थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ भी मारपीट की है। मेरे मारपीट करते हुए जब वो बीच बचाव में गार्ड आया उसके साथ भी मारपीट की। बात बस इतनी थी, वो खुद को अपना डॉक्टर बता रहा था, मेरी खुद की हॉस्पिटल है, मैंने बताया खुद की हॉस्पिटल है और खुद है तो भैया वहीं कर लेता इलाज, अगर यहाँ पे आया तो पेशेंट की जिम्मेदारी मेरी हुई, मुझे अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने दे, अगर कुछ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। लेकिन नहीं, वो बोला मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। बस इतनी सी बात उसको बुरी लगी, उसके बाद फिर उसने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और मारपीट चालू कर दी। इसकी शिकायत दर्ज करा दी है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके अलावा अभी भी उसकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लगातार फ़ोन आ रहे हैं। उस दिन भी वो धमकी दे के गया था, शाम तक मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगा, उसके बाद हॉस्पिटल को शमशान बनाने की धमकी दी थी। अब क्या करेंगे आप? ओपीडी सेवा बंद रहे अभी, बाकी अगर उसकी अभी भी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम कंटिन्यू इमरजेंसी जो सेवाएं अभी चालू कर रखी हैं वो भी हम बंद कर देंगे। और ये सिर्फ हमारे ब्लॉक में नहीं है, आसपास के जो ब्लॉक थे मैंने वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट किया था तो वहाँ पे भी डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हम ओपीडी बंद करने के लिए। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकर बीएमओ रावगढ़ से हूँ और जो 26 जनवरी की पावन पर्व पर जो डॉक्टर साहब के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ है उसके प्रोटेस्ट में हम सीएमएचओ सर से और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। FIR तो दर्ज हो चुकी है क्योंकि वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए प्रेशराइज भी कर रहा है, और चूँकि जो हमें बताया गया वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है और शायद उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं उसको जल्दी जल्दी जो भी है शासकीय कार्रवाई की जाए। बाकी ये डॉक्टर साहब की एमएनसी वगैरह हुई हैं सर, एक नोटिस चस्पा किया है ओपीडी सेवाएं ठप रखने के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं को रद्द करने का। ठप नहीं किया, हमने उनको रोक दिया है शाम तक के लिए, यदि गिरफ्तार वगैरह नहीं होता है तो हम उसको आगे लेके जाएंगे। अभी इमरजेंसी सेवाएं और बच्चों को इम्यूनाइजेशन वगैरह जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो कंटिन्यू है। अभी कुछ सुनने में आया था कि आप लोग वहाँ से ट्रांसफर की भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा हॉस्पिटल जो है बंद करके एकदम ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ में भी 1.5 महीने पहले 150 लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे मारने के लिए धमकी दी गई थी, मैं दूसरे के बंदे के यहाँ पर जाकर के सोया हूँ, रात भर 2 दिन निकाल लिए मैंने। तो ऐसी स्थितियों में शासन प्रशासन का सहयोग आपको प्राप्त हो पाया नहीं? शासन प्रशासन से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी की, ना जनता को उम्मीद है ना किसी अधिकारी को उम्मीद है इस चीज़ के लिए। सीएमएचओ ने हमें आश्वासन दिया है बंद और दोनों अपराधी जो भी हैं जिन्होंने किया उनके ऊपर शासकीय कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कलेक्टर साहब ने भी ऐसा हमें आश्वासन दिया है। अभी हम थोड़ी देर में एसपी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। ठीक, तो आपने लिखित शिकायत उनको दी? जी, लिखित शिकायत दी है सब। अच्छा,